चार बाँस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ फोकस स्टडी विद अभी में। इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री का पार्ट टू, जिसमें हमें क्या डिस्कशन करना है, अगर कह ले तो मॉडर्न इंडिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि सिलेबस में आपका मेंशन किया हुआ है NTPC का एग्जामिनेशन की अगर हम लोग बात कर ले, और अभी अभी जैसे SSC का पेपर होने वाला है, CGL 2019 का, MTS और CHSL का, तो उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। हिस्ट्री इससे बाहर कुछ नहीं होगा आपके एग्जामिनेशन में। जिसमें हमने आज डिस्कशन करनी है गवर्नर जनरल जितने रहे हैं, वाइसराय जितने रहे हैं, जितने भी क्रांतिकारी आए हैं आपके, जिन्होंने मूवमेंट चलाए हैं क्रांतिकारी मूवमेंट, और जैसे कि अगर उसमें हम लोग कर लेते हैं बात तो आपके चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, खुद्दीराम बोस, चापेकर बंधु जी हो गए, और इंडियन होम रूल सोसाइटी आया था, जैसे गदर पार्टी आपके आए थे, और फिर भिकाजी कामा, इन सारे क्रांतिकारियों के बारे में बात करेंगे, जहाँ से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते ही हैं। वाइसराय जनरल, गवर्नर जनरल से आपके क्वेश्चन हर एक एग्जामिनेशन में बनता है। किस तरह से बनेगा आपको मैं आपको सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। और उसके बाद जो लास्ट टॉपिक होगा सोशल रिफॉर्म। सोशल रिफॉर्म जैसे बात कर ले ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन और थियोसोफिकल सोसाइटी, इतनी सारी चीज़ें आज हमने कवर करनी है। और आपका मॉडर्न इंडिया ऑलमोस्ट 75% बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो देखिए, एक चीज़ ये है कि आपके एग्जामिनेशन में इतना तो कम से आपको, जैसे कि कहीं से और भी आप पढ़ रहे होंगे, तो इतना मैं कर देता हूँ कि आप क्या करो कि सबसे पहले जितना मैंने करा दिया ना, उतना चीज़ तो आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि दूसरे जगह जहाँ पे जो चीज़ें आपको दी जा रही, इतना दिया जा रहा है कि जो आपसे नहीं हो पाएगा एग्जामिनेशन के टाइम तक, आप याद नहीं कर पाओगे। क्यों, इसके पीछे मैं बताऊँ, ये देखिए 2 मिनट टाइम दीजिएगा। NTPC का जो एग्जामिनेशन है उसमें केवल आपका GK नहीं आने वाला, GK में आपके हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, करंट अफेयर है, और एक स्टैटिक GK है, मतलब 5 पार्ट तो इधर ही हो गए। उसके बाद आपके जो है साइंस में भी 3 पार्ट हैं आपके, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जहाँ का एग्जामिनेशन में एक अच्छा वेटेज होगा। तो इतना वाइड सिलेबस आपके एग्ज़ाम, आपको जो सारी चीज़ें आपको रटनी ही है, अगर कंसेप्ट तो ठीक है लेकिन फिर भी बात करूँ तो आपको जो चीज़ें रटनी है, और उसके बाद आपका जो होता है मैथ्स और रीजनिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो जहाँ पे इतनी चीज़ें दी जा रही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको जितना मैंने दिया है उतना तो आप करके जाइए, और वो आपके एग्जामिनेशन के लिए सफिशियंट होगा। फिर आपको जितना टाइम है आप दूसरे जगह से करते रहिए, उसमें मेरी कोई मनाही नहीं है, लेकिन जो मैंने दिया है उसको आपको करके जाना है, ठीक है। दूसरी बात, जिन्होंने PDF को परचेस किया है पार्ट वन का, तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, 50 या 51 स्टूडेंट ने परचेस किया है, तो आप सभी को मेल कर दिया जाएगा पार्ट टू और पार्ट थ्री, और मध्यकालीन भारत की जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो सारा पार्ट की मैं वीडियो PDF जो आपको मिल जाएगी। तो आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेना कि आप 30 रुपये में केवल पार्ट वन ही मिला है, तो बिल्कुल बिंदास रहिए, पूरा मध्यकालीन और मध्य और आपका जो मॉडर्न इंडिया का पूरा कंप्लीट पैकेज आपको मेल कर दिया जाएगा, तो इसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है। और कुछ लोग जैसे कह रहे थे कि उसको पेड कर दिया मैंने PDF को, तो भाई ये फ्री है वीडियो, आप वीडियो से आप अपने खुद हाथों से नोट्स बनाइए। मैं तो कह रहा हूँ कि आप परचेस ना करके आप खुद से नोट्स बनाइए, क्योंकि आपको आधी 50-60% आपको पहले टाइम पर ही याद हो जाएगी, तो ये बिल्कुल फ्री है आपके पास। और अदर जिनके पास टाइम नहीं है या फिर जो नहीं मेहनत करना चाहते, उनके लिए PDF है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले देखिए, गवर्नर जनरल और वाइसराय को हम लोग समझते हैं कि क्या इनको आना पड़ा भारत में, ये चीज़ें क्या होती हैं। वाइसराय, देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी आप सभी को पता है, 1600 शताब्दी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है, मेनली जो इनका काम क्या होता है, मेनली भारत वो क्यों आते हैं, मेनली वो भारत आते हैं भारत के साथ ट्रेड करने के लिए। देखिए, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कंपनी थी, कहाँ की कंपनी थी, ब्रिटेन की कंपनी थी। ब्रिटेन में जो क्वीन एलिजाबेथ जो किंग थी वहाँ की, उन्होंने कहा था कि भारत के साथ ट्रेड करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में भेजा जाएगा, और उनके ऊपर कोई भी दबाव नहीं डाला जाएगा कि आप यहाँ पे वो कंपनी बैठा हो, या फिर आप इंडिया में कुछ ऐसा चीज़ें करो जहाँ से, मतलब कि उसके ऊपर कोई प्रेशर क्रिएट नहीं किया जाएगा, ऐसा वहाँ की किंग जो क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ ने कहा था ईस्ट इंडिया कंपनी को, और आप जाइए भारत और भारत के साथ ट्रेड कीजिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आते हैं, 1600 शताब्दी में आती है, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है एग्जामिनेशन में। अब मैं रिलेट करूँगा किस तरह से गवर्नर जनरल भारत आना स्टार्ट होते हैं और क्यों इन्हें भेजा जाता है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत तो आई है रूल करने के लिए, ठीक है, लेकिन क्या होता है कुछ समय के बाद, जैसे 1600 शताब्दी में आती है भारत में, केवल उनका जो मोटिव क्या होता है, रूल नहीं ट्रेड करना होता है। लेकिन क्या होता है, 1717 में, जैसे कि आपको मुगल बादशाह का नाम पता होगा फरुख सियार, जिनका एक बिगेस्ट फरमान उनको मिल जाता है, ब्रिटिशर को बिगेस्ट फरमान क्या मिल जाता है उसको सुनिएगा, कि आप पूरे बंगाल में जा करके कहीं भी कारखाने लगाइए, कहीं भी फैक्ट्री लगाइए विदाउट पेइंग एनी टैक्स, मतलब कोई भी कर आपको नहीं देना होता।
ये सबसे जिसे कहा भी जाता है, आपसे भी एग्जामिनेशन में पूछे भी कहा जाए पूछा भी जाएगा कि अंग्रेजों का मैग्ना काटा किसे कहा गया, तो इसे ही कहा गया फारूक शियार के फरमान को ही। इसे मैं डिस्कस करूँगा मध्यकालीन भारत में, बहुत जल्दी मैं इसे को रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये आपकी चीज़ें हो गई। तो ये जो फरमान मिलता है, इसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रेड करने आई थी, ये फरमान जो फर्रुख शियार जो मुगल बादशाह के द्वारा मिल जाता है, तो उसके बाद ये क्या करना करने लगती है, ट्रेड के साथ साथ ये अब भारत में अपना साम्राज्य का विस्तार, मतलब कि भारत में रूलिंग करना स्टार्ट कर देगी धीरे धीरे। 1764 में जो बैटल ऑफ बक्सर जो होता है, बैटल ऑफ बक्सर के बाद 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, इस ट्रीटी के बाद आपको पूरा जो बंगाल को जो बंगाल में जितना भी रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट करना होता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ जाता। इस तरह से रूलिंग करना ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट कर देती है। तो जब ये 1764 में जो बैटल ऑफ बक्सर होता है, इससे पहले मतलब कि जैसे कि 1717 में जो फर्रुख शियार का फरमान मिल जाएगा बंगाल या भारत में पूरा रूलिंग करने का ईस्ट इंडिया कंपनी को, मतलब कि फैक्ट्री बैठाने का, और जब से ये क्या करने लगते हैं अपना रूलिंग स्टार्ट करना यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, तब ईस्ट इंडिया जो ब्रिटेन में जो गवर्नमेंट थी उनकी जो पार्लियामेंट थी वहाँ से क्या किया जाता है, एक लीडर को भेजा जाएगा जो ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करेगी, रूल करेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी को देखेगी कि आप तो ट्रेड कर रहे हो ठीक है, लेकिन ऐसा रूलिंग तो कोई मतलब कि गलत तरह से भारत के लोगों को मतलब कि प्रताड़ना कर रहे हो, या फिर किसी तरह का उनके ऊपर गलत उनका मोटिव उस समय नहीं था, इसलिए उन्होंने एक लीडर बनाकर भेजा था गवर्नर के रूप में। तो उस गवर्नर को जो कहा क्या जाता था, गवर्नर ऑफ बंगाल। तो ये हो गया गवर्नर जनरल किस तरह से भारत आए, और ब्रिटिश पार्लियामेंट से ब्रिटेन के गवर्नर ने भेजा था ईस्ट इंडिया कंपनी का एक मेन लीडर बना करके गवर्नर को। तो ये गवर्नर इसी तरह से था, लेकिन फिर से ये गवर्नर जो भेजा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को रूल करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को रूल करेगी मतलब रेगुलेट करेगी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जितने भी टैक्स कलेक्ट कर रही है भारत से, वो टैक्स जो होता है ब्रिटेन को गवर्नमेंट के पास जानी चाहिए, ठीक है, इसलिए आए थे। लेकिन कुछ समय के बाद आप देखोगे कि ये गवर्नर वाइसराय मिलके भारत के ऊपर पूरी तरह से अपना काबू कर लेगी और रूलिंग करना स्टार्ट कर देगी। तो पहला अब यहाँ से एग्जामिनेशन पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का पहला गवर्नर बंगाल, मतलब बंगाल का गवर्नर पहला कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव पहले गवर्नर बने थे बंगाल के, जिनका टाइम पीरियड था 1757 से 1760, और बीच में देखिए गैप आपको मिल रहा है 1765 के बाद 1767 तक रहते हैं, मतलब 60 से लेकर के 64 के बीच में भारत का बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव नहीं रहेगा, ये चीज़ याद रखना। ये आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं अभी बताऊंगा कैसे क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो पहला ये कि गवर्नर बंगाल का कौन था पहला, तो रॉबर्ट क्लाइव था। दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला कौन था गवर्नर, तो वो कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। सेकेंड पॉइंट देखिए, ही अप्लाई डुअल गवर्नेंस इन बंगाल, मतलब कि बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली, डुअल मतलब दो शासन, एक तो आप भारत में ट्रेड कर ही रहे हो, ट्रेड के साथ साथ क्या करें अब टैक्स भी कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिए हो, और ईयर आपसे पूछा जाएगा 1765 से लेकर के 1772 तक ये डुअल गवर्नेंस लागू था। तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि डुअल गवर्नेंस का टाइम पीरियड, मतलब जो देखिए दो डुअल द्वैध शासन प्रणाली में होती है, एक तो बंगाल में होगी और एक जो होगी प्रांत प्रोविंसेस में होगी, जो मैंने आपको बताया था पहले पार्ट में, ठीक है, उसका ईयर मैंने आपको बताया था, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 1919 से लेकर 1935 मैंने बताया था। और ये डुअल गवर्नेंस इन बंगाल कब है, 1765 से लेकर के 1772, इसलिए पार्ट वन को बहुत ही ज़रूरी देखना है, वो तो मेन सिलेबस में ही आपका फ्रीडम स्ट्रगल, तो वो पूरा मैंने उसमें बहुत अच्छे से कवर करा रखा है। अब ये देखिए डुअल गवर्नेंस, पहला आप समझ गए डुअल गवर्नेंस का मीनिंग, एक तो आप शासन ट्रेड भी कर रहे हो साथ साथ आप भारत पे शासन भी कर रहे हो, शासन इन द मीन्स के जितने भी टैक्स जनरेट कर रहे हो भारत से, अब भारत से टैक्स जनरेट करने का सारा काम आपके ऊपर ही आ गया, तो टैक्स भी जनरेट कलेक्ट कर रहे हो और आप क्या कर रहे हो ट्रेड भी भारत के साथ कर, इस तरह से दो तरह से आप शासन करने लगे थे, इसलिए कहा जाता है डुअल गवर्नेंस को लागू करने वाला कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती है यहाँ पे, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1764 में बैटल ऑफ प्लासी के बाद, सॉरी बैटल ऑफ बक्सर के बाद, आगे हम लोग देखेंगे यहाँ बैटल ऑफ बक्सर के बाद होता क्या है, चलिए पहले बैटल ऑफ बक्सर देख लेते हैं। देखिए 1764 ईयर में क्या होगा, बैटल ऑफ बक्सर होता है, बक्सर की युद्ध होती है 1764 में। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन में कि बैटल ऑफ बक्सर का ईयर आपसे पूछा जाएगा कब हुआ था, तो 1764 में हुआ था बैटल ऑफ बक्सर, किनके किनके बीच हुआ था ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एक साइड अंग्रेजों की तरफ से कौन थे, तो हेक्टर मुंड्रो थे, और किसके किसके बीच हुआ था, तो आपके शाह आलम टू, लिख लीजिएगा इसको, मैंने लिख नहीं पाया यहाँ पे, मीर कासिम जो नवाब कहाँ का था बंगाल का, और सुजाउद्दौला जो नवाब कहाँ का था अवध का था। पहला आपका कौन हो गया, शाह आलम टू मुगल का बादशाह हो गया, उसके बाद मीर कासिम कहाँ हो गया बंगाल का नवाब, और थर्ड कौन हो गया, अवध का नवाब कौन हो गया, सुजाउद्दौला।
इन तीनों के बीच लड़ाई होती है और जिसमें हेक्टर मुंड्रो की विजय होती है। हेक्टर मुंड्रो जो होती है इन तीनों को हरा देते हैं, बंगाल के नवाब मीर कासिम के, अवध के नवाब शुजाउद्दौला को और मुगल का बादशाह शाह आलम टू को। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ से एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा, बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ? 1764 में हुआ। बक्सर ये जगह कहाँ पे, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो बिहार में है। उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, क्योंकि 1764 में होती है और सब लोगों के दिमाग में ये बैठा रहता है कि गवर्नर कौन था उस समय, रॉबर्ट क्लाइव था। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 1760 तक रहते हैं, उसके बाद 1765 से 2 साल तक ये फिर रहते हैं, मतलब 1764 के टाइम पीरियड में गवर्नर कौन था बंगाल का, तो वेंसी टाट था। ठीक है, वेंसी टाट था, याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव टिक करके मत आइएगा, ऑप्शन में वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होने के बाद ब्रिटिशर के जो जीत होती है, उसके बाद 1765 में एक संधि की जाती है, इलाहाबाद की संधि हम जिसे कहते हैं, हिंदी इंग्लिश सब कुछ इसमें मेंशन है तो टेंशन लेने की बात नहीं है। 1765 में जो इलाहाबाद की संधि होती है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कब हुआ था इलाहाबाद की संधि, तो 1765 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था, तो रॉबर्ट क्लाइव के बीच में होता है, शाह आलम टू जो बैटल ऑफ बक्सर में आए थे लड़ाई करने जिसमें उसकी हार होती है, और शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था उनके बीच होती है। अब इस संधि में क्या साइन किया जाता है, ट्रीटी ऑफ संधि, इलाहाबाद का जो संधि होता है इसमें जो ट्रीटी जो की जाती है, इस संधि के बाद पूरे बंगाल में जो होता है अंग्रेजों का अपना राज हो जाता है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा राज हो जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है, बहुत ही छोटा युद्ध था, 3-4 घंटे का युद्ध होता है, बोला भी जाता है कि इतिहास में सबसे छोटा युद्ध कौन सा था, तो बैटल ऑफ प्लासी था। किनके किनके बीच हुआ था, तो रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। तो ये आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेंगे, इतने रॉबर्ट क्लाइव से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कब हुआ था बैटल ऑफ प्लासी, 1757 में, किनके बीच, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला, ठीक, जिसमें आपके रॉबर्ट क्लाइव इस युद्ध में विजय हासिल करते हैं। तो इतना हो गया पहले आपके गवर्नर बंगाल के क्वेश्चन आपसे पूछने जाएंगे, इससे बाहर आपके एग्जामिनेशन में अभी तक पूछा नहीं गया है। एक वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि एनटीपीसी का जो सेट आया है 2015-16 में, और अभी जो आपके आरपीएफ जो टीसीएस ने कंडक्ट कराया है, एसएससी सीएचएस सीजीएल का और आपका सीपीओ का, उसके सारे क्वेश्चन को मैं एक वीडियो में कंपाइलेशन करके हिस्ट्री के बना दूंगा और आपको मैं दिखाऊंगा कि सारे क्वेश्चन आपके वीडियो से हैं। दूसरा जो आपके गवर्नर आएंगे वो होंगे वॉरेन हेस्टिंग्स जी। अब वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे क्या क्या एग्जामिनेशन आपके क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपका पूछेगा कि जो डुअल गवर्नेंस, मतलब कि जो बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को जो लागू किया गया था 1765 से लेकर के 1772 में 72 तक, इसको एबॉलिश, इसको ख़त्म करने वाले कौन थे, तो वॉरेन हेस्टिंग ही थे। वॉरेन हेस्टिंग ही थे जो इन्होंने ये डुअल गवर्नेंस प्रणाली को ख़त्म किया था। कब ख़त्म किया था याद रखिएगा, 1772 में ख़त्म किया गया था। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, देखिए जब ये शासन कर रहे थे, मतलब जो बंगाल का गवर्नर जब बन करके आए थे, तो इनके टाइम पीरियड में एक रेगुलेटिंग एक्ट पास किया जाता है, मतलब एक बिल पास किया जाता है। ये बिल कहाँ बनता है, आपके ब्रिटेन के पार्लियामेंट में बनती है, ब्रिटेन के गवर्नमेंट बनाती है, और उसको यहाँ पे, मतलब कि भारत में जो गवर्नर जो बंगाल का जो गवर्नर था उनके लिए, या मेनली कहें तो भारत के लिए ये एक्ट, ये बिल बनाया जाता है, और इस एक्ट में क्या क्या पारित की जाती है उनसे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए क्या क्या क्वेश्चन बनेगा, इस एक्ट में क्या हो जाता है, जो बंगाल का जो गवर्नर था उसे क्या बना दिया जाएगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिए मतलब क्या है कि वॉरेन हेस्टिंग अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहे थे और इनके पास एक लेटर आएगा, एक बिल आता है। अब इनको बताया जाता है कि आप जो है, जैसे कि आप ग्रुप डी में काम कर रहे हैं, अब आपका जो है पोस्टिंग ग्रुप सी में कर दिया जा रहा है, मतलब कि आप बंगाल का जो गवर्नर थे, अब बंगाल के गवर्नर ना रह करके आप गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए हैं। ठीक है, ये चीज़ है। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि कौन से एक्ट में, अब देखिए जितने कुछ कुछ एक्ट इंपॉर्टेंट जो थे मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए, तो अगले के वीडियो में जो एक्ट के ऊपर ही मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें इस जो एक्ट को डिस्कस कर दिया उसमें डिस्कशन नहीं करूंगा, तो याद रखिएगा। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो देखिए पूछा जाएगा क्वेश्चन कि गवर्नर ऑफ बंगाल को, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, सॉरी जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किस एक्ट में बनाया गया, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब जितना ईयर लिखा हुआ इस वीडियो में वो सारे आपको याद होने चाहिए भाई। पूछा जाएगा उस समय वाइस गवर्नर कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग था। तो पूछा जाएगा उसके बाद, देखिए अब आप यहाँ पे बंगाल का गवर्नर, बीजी हो गया बंगाल का गवर्नर, और यहाँ पे
GGB मतलब हो गया गवर्नर जनरल बंगाल, ठीक है। अभी यहाँ पे वारन हेस्टिंग अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहे थे बंगाल का जनरल बन करके, बंगाल का जनरल ऑफ बंगाल का गवर्नर, सॉरी बंगाल का गवर्नर बन करके। और उसके बाद लेटर इनके ऑफिस में आए, इनको क्या किया, इनका पोस्ट को क्या कर दिया, चेंज कर दिया गया, इन्हें क्या बना दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया वारन हेस्टिंग को। तो पूछा जाएगा लास्ट बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो वारन हेस्टिंग ही था। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का कौन हुआ, तो वारन हेस्टिंग ही हुआ। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन हुए, वारन हेस्टिंग, और लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन हुए, तो वारन हेस्टिंग हुए। ये चीज़ें आपके क्लियर हो गए, फर्स्ट और लास्ट क्यों दोनों एक ही होते हैं। उसके बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही ये पोस्ट को बनाया गया था। क्या कौन सा पोस्ट था, एक तो बंगाल का गवर्नर को क्या बना दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन्होंने डुअल गवर्नेंस बंगाल के क्या 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 था, इन्होंने ख़त्म कर दिया था। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन, ये मैंने बता दिया फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल बन गया। इस एक्ट में 1774 में क्या किया जाता है, एक सुप्रीम कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट की जाती है कलकत्ता में। तो पूछा जाएगा सुप्रीम कोर्ट 1774 में इस्टेब्लिश किया गया था, कहाँ पे किया गया था, तो कलकत्ता में इस्टेब्लिश किया गया था। या इस तरह से पूछा जाएगा सुप्रीम कोर्ट की जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी कौन से ईयर में की गई थी, 1774 में। और पूछा जाएगा इस समय, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट की अब इस्टेब्लिशमेंट हुई, तो भाई कोई चीफ जस्टिस तो होगा, तो उस वो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया जाता है कि फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे, तो याद रखिएगा लॉर्ड एलिजा इम्पे। इसके सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस बनाए गए थे लॉर्ड एलिजा इम्पे, और इनके साथ तीन और भी जजेस थे, तो उन तीन जजेस का आपको नाम याद नहीं रखना है, ये याद रखना है फर्स्ट चीफ जस्टिस लॉर्ड एलिजा इम्पे थे। अब ये क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि मदरसा की स्थापना जब किया गया था, या फिर किनके द्वारा मदरसा की स्थापना की गई थी, तो वो जो थे आपके वारन हेस्टिंग ही थे, ठीक है, वारन हेस्टिंग ही थे। अब देखिए उसके बाद आपका एक एक्ट, जो एक्ट का एक्ट जो पारित की जाती है वो एक्ट क्या था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो पूछा जाएगा इसका ईयर, एक्ट ऑफ सेटलमेंट कौन से ईयर में पास की गई थी, तो 1781। ये ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप खोल करके देख लीजिए कोई भी बुक, आपके एग्जामिनेशन यहाँ से मिले हैं, 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट पास किया गया था। अब देखिए वारन हेस्टिंग जो थे अपने पावर का थोड़ा सा गलत इस्तेमाल करने लगते हैं, इतने इनको जो पावर मिल गया था बंगाल के गवर्नर से, आपको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, और ये जो थे भारत में अब क्या करने लगे थे कि थोड़े मतलब अपने पावर का यूटिलाइजेशन थोड़े गलत तरीके से करने लगे थे। तो ये चीज़ें जैसे ही ब्रिटेन के पार्लियामेंट में बातें चलती है, उनको पता चलता है, ब्रिटेन के गवर्नमेंट को पता चलता है, तो वो फिर से एक तो वहाँ पर बिल बनाएगी, और वो जो बिल को क्या करेगी, भारत में भेजेगी। उस बिल का नाम क्या रहता है, पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आता है। ईयर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पूछा जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट का ईयर कौन सा, तो 1784। तो 1784 में पिट्स इंडिया का एक्ट आएगा, जिसमें क्या किया जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को देखे क्या किया जाएगा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड भी कर रही थी और शासन भी भारत में कर रही थी, किसके साथ मिल करके, वारन हेस्टिंग के साथ मिल करके। अब ये क्या करेगी, जो ट्रेड का जो काम था ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसको सेपरेट कर देगी कि अब मतलब जो है आप केवल ईस्ट इंडिया कंपनी जो कंपनी है, अब भारत आप जो है केवल क्या करोगे, केवल ट्रेड का काम करोगे, और जो शासन जो प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है वो ब्रिटेन की गवर्नमेंट करेगी। तो अब देखोगे 1757 के बाद, अब यहाँ से जो देखोगे कंपनी का रूल, जो कंपनी रूल कर रही थी अब भारत में, ये कंपनी रूल करना बंद कर देगी, अब डायरेक्ट ब्रिटेन के पार्लियामेंट से, मतलब ब्रिटेन में बैठी हुई सरकार अब भारत को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देगी यहाँ से, पिट्स इंडिया एक्ट के बाद से। तो जो यहाँ से पूछा जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो जो ये जो रूलिंग करने का, जो रूलिंग करना और जो ट्रेड करने को जो सेपरेट किया गया था, कौन से एक्ट में सेपरेट किया गया था, तो पिट्स इंडिया एक्ट में। यह क्वेश्चन पूछा जाएगा पिट्स इंडिया का, इम्पॉर्टेंट जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो की गई थी क्या, कि ट्रेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी सेपरेटेड, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें। और देखिए वारन हेस्टिंग जो थे, वारन हेस्टिंग को क्या किया गया था, जो इनके पावर जो गलत इस्तेमाल कर रहे थे वारन हेस्टिंग, जिसके कारण ये पिट्स इंडिया एक्ट पास किया गया, उसके बाद क्या किया गया, वारन हेस्टिंग को वापस ब्रिटेन के पार्लियामेंट में बुलाया गया, ब्रिटेन के पार्लियामेंट में बुलाया गया, और इनको अपने पद से जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था इनको हटा दिया गया। अब किसी को अपने पद से हटाने को हम लोग क्या कहते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, आपको पता आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट महाभियोग कहते हैं। तो ये एकमात्र ऐसे गवर्नर जनरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वैसे एकमात्र गवर्नर जनरल बंगाल के कौन थे जिनको इम्पीचमेंट यानी योग के द्वारा पद से हटाया गया था, वो एकमात्र वारन हेस्टिंग ही थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थर्ड आपके जो आएंगे इंपॉर्टेंट, लॉर्ड कॉर्नवालिस जी।
अब इनका ईयर जो है 1786 से लेकर 1793, ये सब ईयर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने बता दिया कि इसके बीच अगर कोई घटना अगर उधर कोई घटी होगी जो मैंने पार्टों ने बताई, तो आप याद करने की कोशिश कीजिएगा, उससे रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा कि भारत में जब ये घटना घट रही थी, गांधी जी जो कायम कर रहे थे उस समय यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी में कौन शासक या फिर कौन गवर्नर जनरल या कौन वायसराय रूल कर रहा था, या क्या ब्रिटेन को मतलब क्या कर रहा था, मतलब ब्रिटेन की तरफ से अपना अगुवाई कर रहा था, ठीक है। तो ये ईयर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन इधर जितना ईयर मिलेगा वो सारा चीज़ इंपॉर्टेंट होगा। पहला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा लॉर्ड लॉर्ड कॉर्नवालिस से, क्या कि जो परमानेंट सेटलमेंट, हिंदी में कहे तो स्थायी बंदोबस्त, देखिए एक्चुअली परमानेंट सेटलमेंट मतलब क्या होता है कि टैक्स को जनरेट करना, टैक्स कलेक्ट करना, मतलब बंगाल से जो भी टैक्स कलेक्ट करने का काम अब अंग्रेज और भी तेज़ी से करना स्टार्ट कर दिया। तो इन्होंने एक सेटलमेंट स्टार्ट किया था जिसका नाम दे दिया गया था परमानेंट सेटलमेंट, मतलब परमानेंट आपको टैक्स पे करना ही होगा ब्रिटिश ब्रिटेन के गवर्नमेंट को, ठीक है, ब्रिटिश सरकार को। इसलिए पूछा जाएगा कि परमानेंट सेटलमेंट किसने स्टार्ट किया था बंगाल में, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही स्टार्ट किया था बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट, ठीक। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अब इनके टाइम पीरियड में एक बिल और पास किया जाता है ब्रिटेन के पार्लियामेंट 1793 में, जिसे जाना जाता है चार्टर एक्ट के नाम से। तो पूछा जाएगा चार्टर एक्ट का ईयर 1793 याद रखिएगा। इस एक्ट में क्या किया जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, देखिए इस एक्ट के तहत ही लॉर्ड कॉर्नवालिस जो आपके बंगाल के गवर्नर जनरल थे, ये क्या करते, 21 अप्रैल 1793 में इंडियन सिविल सर्विस के इस्टेब्लिशमेंट करती है। इंडियन सिविल सर्विस का मतलब कि भारतीय नागरिक सेवा, एक एग्जामिनेशन होता है जिसे ही आप अभी जो IAS के नाम से जानते हो, उसे क्या करती है, इसकी इस एग्जामिनेशन का गठन करती है। और ये एग्जामिनेशन भारत में नहीं होगा, ये एग्जामिनेशन आपके लंदन में होगा, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि भारत का कोई भी बंदा इस सिविल सर्विसेज में आए, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन के पद पे आ जाए, जिससे क्या होगा फिर ब्रिटेन के गवर्नमेंट या फिर ब्रिटेन की सरकार को बहुत ही दिक्कतें होंगी सारी काम करने के लिए। इसलिए ये चाहते थे, मतलब इन्होंने क्या किया, एग्ज़ाम को लंदन में कराया था। तो पूछा जाएगा आपसे कि फादर ऑफ सिविल सर्विसेज किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है। कब गठन किया गया था, 21 अप्रैल 1793। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 21 अप्रैल को ही हम लोग क्या करते हैं, सिविल सर्विस डे भी मनाते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस को देखिए फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस भी कहते हैं, और ये एकमात्र ऐसे गवर्नर थे जिनकी मृत्यु भारत में होती है। तो पूछा जाएगा कि कौन से गवर्नर थे जिनकी मृत्यु भारत में हुई थी, तो ये कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस ही थे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आपके, नेक्स्ट आपका जो गवर्नर जनरल बंगाल का होगा वो लॉर्ड वेलेसली होंगे। देखिए थोड़ा सा साउंड आपको मिलेगा, नॉइज़ मिल सकता है वीडियो में, क्योंकि क्या है कि बगल में काम हो रही है और JCB के द्वारा काम किया जा रहा। तो देखिए एक्चुअली क्या है कि बगल में RPF है, मतलब पूरे रेलवे कॉलोनी है यहाँ पे, और जो अभी जो वैकेंसी हुई है RPF के, उनके लिए यहाँ पे सारे काम के काज बनाए जा रहे हैं, जो लेडीज़ के लिए यहाँ पे भी बनाया जा रहा है। तो इसीलिए थोड़ा सा देखिए, बहुत बड़ी संस्थान से भी आप जुड़ने वाले रेलवे से, इसलिए याद रखिएगा कि पूरे जम करके मेहनत कीजिए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसका भी मज़ा लीजिए भाई, थोड़ी सी आवाज़ें लेते तो थोड़ी बर्दाश्त कीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो डिले करूँ, आज किसी तरह से आपको वीडियो देनी ही है। तो और सबसे अब चलिए बात करते हैं लॉर्ड वेलेसली के द्वारा जो आपके गवर्नर जनरल बंगाल के बन के आए थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सहायक संधि का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल ने दिया था, तो लॉर्ड वेलेसली ने दिया था। क्वेश्चन पूछा गया है NTPC का, बहुत सारे एग्जामिनेशन पूछे गए हैं, RPF अभी लेटेस्ट एग्जामिनेशन जो हुआ था। उसके बाद पूछा जाएगा सहायक संधि के सिद्धांत मतलब सब्सिडायरी अलायंस के द्वारा सबसे पहला राज्य को, मतलब क्या कर रहे थे ये राज्यों को क्या कर रहे थे अपने अधीन, ये क्या करते थे जितने ईस्ट इंडिया मतलब कि जो गवर्नर जनरल थे, ये क्या करते थे, फरमान भेजते थे वहाँ के राजा, जैसे हैदराबाद जब अपने अलग अलग में प्रोविंस में बढ़ रहे थे, हैदराबाद हो गया, मैसूर हो गया, सबके राजा को भेजते थे लेटर कि आप जो है आप हमारे अधीन हो जाइए। तो सबसे पहला राज्य कौन था मिलने वाला, वो था हैदराबाद था, दूसरा राज्य कौन था, मैसूर था, और तीसरा राज्य कौन बनेगा, तंजोर। तो याद रखिएगा HMT, हैदराबाद, मैसूर और तंजोर, ठीक है, ये तीन स्टेट्स हैं। इनके टाइम पीरियड में ही सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि दिल्ली पर अधिकार जब किया गया, तो पूछा जाएगा उस समय कौन था गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड वेलेसली ही थे। इसने मुगल बादशाह को पेंशनर बना लिया था। देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फर्स्ट, अब इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, पेंशनर की बातें क्या हो गई थी यहाँ पर नहीं, देखिए दिल्ली पर अधिकार कर लिया, और दिल्ली पर भी रूलिंग कौन कर रहे थे, मुगल साम्राज्य कर रहे थे। तो जो मुगल साम्राज्य का जो उस समय शासन करता थे मतलब बादशाह जो था Shah Alam II, अब पूरे अधिकार दिल्ली पर हो गए, तो अब क्या किए इन्होंने, मुगल बादशाह को बोले कि आप जो है हमारे पेंशनधारी बन गए, बन जाइए, मैं आपको सारा पेंशन दूंगा, आपके सारे खर्चे दूंगा। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन कि पहला पेंशनर कौन था मुगल बादशाह का, तो Shah Alam II था, याद रखिएगा, कोई कर्म का नहीं था ये, याद रखिएगा, ऐसा बादशाह ये था। या पूछा जाएगा कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने कराई थी, तो लॉर्ड वेलेसली ने कराया था। कहाँ पे है फोर्ट विलियम कॉलेज, तो कलकत्ता में, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं इनके द्वारा, तो ये सारा चीज़ कवर हो गया। पाँचों अब हम लोग बात करेंगे,
नेक्स्ट हमारा जो गवर्नर जनरल होगा लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। देखिए इंपॉर्टेंट संधि है, याद रखना है आपको, ईयर 1809 में, अभी मैंने आपको बताया क्या था, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है, 1765 में, ईयर इंपॉर्टेंट। जितनी संधियां मैंने अभी बताई है, पहले बताई, वो सारी याद होनी चाहिए। ट्रीटी ऑफ अमृतसर किसके बीच, लॉर्ड मिंटो प्रथम के द्वारा, और किनके बीच हुआ था, महाराजा रंजीत सिंह। मतलब इसमें क्या हुआ था कि पंजाब का दो भाग कर दिया गया था, अमृतसर तक जो है आपका ब्रिटिश के अधीन हो गया था, मतलब ब्रिटिश रूल करेंगे, और उधर जो है आपके सिख रूल चलता था। तो सिखों के ऊपर भी क्वेश्चन बनेगा नेक्स्ट पार्ट में, वो सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा उस नेक्स्ट। इसके बाद क्या होता है, इनके टाइम पीरियड में एक इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट आएगा, 1813 का चार्टर एक्ट आएगा। 1813 में फिर से एक चार्टर एक्ट आता है भारत में। इनके द्वारा क्या किया जाता है कि जितने भी ट्रेड का पावर था ईस्ट इंडिया कंपनी से, सारे को क्या किया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पावर दिया हुआ था अभी तक ट्रेड करने का, वो सारे ख़त्म कर दिए जाते हैं। अब केवल उनके पास दो पावर रह जाते हैं, एक कौन सा, ट्रेड के ऊपर, चाय के ऊपर व्यापार करने का, और दूसरा चाइना के साथ ट्रेड करने का। इनके पास दो पावर ही रहता है। तो याद रखिएगा, पूछा जाएगा ट्रेड का पावर ईस्ट इंडिया कंपनी से, मतलब व्यापार करने का जो पावर था ईस्ट इंडिया कंपनी से, किस एक्ट के तहत खत्म किया गया, तो चार्टर एक्ट। अगर पूछा जाएगा पूरी तरह से, अभी पूरी तरह से खत्म नहीं किया गया, याद रखिएगा टी ट्रेड और चाइना के साथ ट्रेड अभी चल रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी का, ये केवल दो ट्रेड ही इनके पास पावर रह जाता है। बस यही इंपॉर्टेंट दो लाइन थे उनके लिए लॉर्ड मिंटो से। अब लॉर्ड विलियम बेंटिक का इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं इसको देख लेते हैं। इनके टाइप पीरियड में 1833 में फिर से एक चार्टर एक्ट आएगा, चार्टर एक्ट पास किया जाएगा। इसमें क्या पास किया जाता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन के। अब इन्हें आता है फरमान कि अब जो है आप गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से आपको जो बना दिया गया है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब अब क्या करेगी ब्रिटेन की गवर्नमेंट, बंगाल के, बंगाल में तो रूल कर रही था, बंगाल के साथ पूरे भारत पे ये अब अपना कब्जा करना स्टार्ट कर देगी। मतलब अब इनका मोटिव पूरा भारत होता है, ठीक है, बंगाल के बाद। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो पूछा जाएगा लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड विलियम बेंटिंक, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन हुए, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। उसके बाद पूछा जाएगा कि इस जो एक्ट को पास किया गया था 1833 का चार्टर एक्ट, याद रखिएगा ये है आपका 1813 का चार्टर एक्ट, ठीक है। देखिए हर 20 साल में आपका यहाँ पे ब्रिटेन की पार्लियामेंट, जो आपके वारेन हेस्टिंग थे जो अपने गलत पावर इस्तेमाल करने लगे थे, उन्होंने पिट्स इंडिया एक्ट को जो बनाया था, उन्होंने बोला था कि हर 20 साल में हम लोग क्या करेंगे, एक एक्ट को पास करेंगे और देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी सही तरह से रूल कर रही है या नहीं, ठीक है। तो यही करते हैं क्या कि 1813 में एक्ट पास हुआ, फिर ठीक 20 साल के बाद आपको 1833 में चार्टर एक्ट आपको मिलेगा, जिसमें आपको क्या होता है, इस एक्ट के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड था सब कुछ खत्म कर दिया गया। जो ट्रेड आपका टी से और चाइना के साथ जो ट्रेड करने का अधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसे खत्म कर दिया जाता है। तो पूरा राइट जो होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड का, पूरा एबॉलिश यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट था लॉर्ड मैकॉलई के द्वारा, याद रखिएगा कि इन्होंने, लॉर्ड मैकॉलई ने ही रिकमेंडेशन किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक को, बेंटिंक जो आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने हुए थे, उनको ये रिकमेंड करते हैं कि इंग्लिश को जो है भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी जाए। तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इंग्लिश के जनक कौन रहे, तो लॉर्ड मैकॉलई, क्योंकि इन्होंने ही रिकमेंडेशन किए थे। या पूछेगा जब भारत में इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था तो उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, ठीक। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाएगा कि इन्होंने तीन सिस्टम को खत्म किया, एक सती प्रथा मैंने बता रखा है, दिल्ली सल्तनत जो पढ़ाया था, नर बलि प्रथा और ठगी प्रथा, ये तीन सिस्टम को खत्म किया गया था किनके द्वारा, तो याद रखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। अब इंपॉर्टेंट इसके बाद आपका आएगा जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनकर लॉर्ड डलहौजी जी, अब इनसे क्या क्या क्वेश्चन पड़ेगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है इनसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ, मतलब कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ मतलब कि हड़प नीति, हड़प नीति मतलब कि जिनके अपने संतान नहीं है, जिनका अपना पुत्र नहीं होगा। जैसे कि आप राजा है और आप राजा, जैसे कि आप मान लेते बिहार पर रूलिंग कर रहे हैं, बिहार पर रूल कर रहे हैं, लेकिन आपका कोई, आप क्या होता था पहले, क्या होता था किंग, सॉरी, राजा का शासन चलता था कि आपकी मृत्यु के बाद आपका बेटा उस राज्य का राजा बनेगा आपका, लेकिन कोई पुत्र आपका संतान नहीं है, तो अब आपके मरने के बाद क्या होगा वहाँ पे, उस जो आपके जो प्रांत को क्या करेगा अंग्रेज, अपने हड़प लेगी उसको, प्रांत को हड़प लेगी, अपने अधीन कर लेगी। तो उसे ही कहा गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो ऐसा नियम बनाया गया था किनके द्वारा, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, याद रखिएगा। अब पूछा जाएगा कौन सा आप, बहुत सारे राज्य थे ऐसे, लेकिन ये चार राज्य आपको याद रखना है, सतारा, उदयपुर और झांसी और नागपुर। ये देखिए सीधे डायरेक्ट, इनको कोई लड़ना ही नहीं पड़ा था यहाँ पे, ये चार पांच और भी 7-8 स्टेट्स हैं यहाँ पे राज्य थे जिनको आप बंगाल ने अपने अधीन कर लिया। देखिए अब किस तरह से बंगाल अंग्रेज क्या कर दे, बिना लड़े ही इन सारे को अपने अधीन कर लेंगे। और उधर आपके जो मैंने आपको बताया था
सब्सिडायरी अलायंस, जैसे कि हैदराबाद, सतारा, तंजौर को अपने अधीन कर लिया था। वहाँ पे थोड़े बहुत लड़ाई उन्हें करनी पड़ी थी वहाँ के राजाओं से, लेकिन फिर इजीली वो अपने अपने अधीन कर लेते। और यहाँ पे तो सिंपल सा ये अधीन कर लेंगे कि जिनके अपने पुत्र संतान नहीं है वो जो आप जो जो जगह जो प्रोविंसेस जो प्रांत है वो अंग्रेज के अधीन हो जाएंगे। ठीक, अब पूछा जाएगा कि शिमला कैपिटल अंग्रेजों का जो हुआ करता था किसने बनाया था, तो इन्होंने ही बनाया था, आपके लॉर्ड डलहौजी ने। अब पूछेगा ICS का, इंडियन सर्विस एग्जामिनेशन, जो आपके स्टार्ट किए गए थे। अब देखिए, मैंने कहा था ना अभी आपको कि इंडियन सर्विस एग्जामिनेशन जो स्टार्ट किए गए थे आपके, तो ये कहाँ हुआ था? लंदन में एग्जामिनेशन होता है, लेकिन भारत में कराने वाले कौन थे? तो याद रखिएगा, यही थे, लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक, लॉर्ड डलहौजी थे। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि भारत, मतलब पहली बार भारत में जो आपका एग्जामिनेशन हुआ 1853 में ICS का एग्जामिनेशन, उनको क्वालिफाई करने वाले, मतलब उनको पास करने वाले कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन ये पास तो किए, लेकिन इस सर्विस को, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को ज्वाइन नहीं करते हैं। उनका मानना था कि इस तरह से अंग्रेजों के अधीन होकर के घुट घुट करके मरने से अच्छा है कि खुद से अपनी सारी चीज़ें की जाए। लेकिन उसके बाद आपके आएंगे सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो प्रथम भारतीय ICS ऑफिसर बनते। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा अगर कि एग्जामिनेशन में, कि ICS एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने वाले कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। और अगर पूछेगा किसने प्रथम जो ICS ऑफिसर बने वो कौन थे, तो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, डाउट क्लियर है भाई। अब इनके टाइम पीरियड में ही क्या हुआ था, पैसेंजर ट्रेन, मतलब रेलवे जो पैसेंजर ट्रेन जो चलाती है वो चला गया था कहाँ से कहाँ? तो 16 अप्रैल, याद रखिएगा, पूरा एग्जैक्ट याद रखना है, 16 अप्रैल 1853 कहाँ से कहाँ चला था? बॉम्बे टू थाने चली थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे याद रखिएगा, 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने एक बिल को पेश किया था, याद रखिएगा, पार्लियामेंट में ये बिल को पेश करती है, विडो रीमैरिज बिल। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कब किसने विडो रीमैरिज बिल, मतलब विधवा पूर्ण विवाह विधेयक, ठीक है, किसने पेश किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने। लेकिन पूछेगा कि इसे जब एक्ट किसने बनाया, तो याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग ने, विडो रीमैरिज एक्ट इसने बनाया था, इसको एक्ट किसने बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। लेकिन इसको बिल जो पेश करने वाले थे, इन्होंने मतलब एक फॉर्मेट बनाया था कि ऐसा, मतलब कि चीज़ें होनी चाहिए, ऐसा नियम कानून होना चाहिए, बताने वाले कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी थे। अब इन्होंने 3 यूनिवर्सिटी बनाए थे, बम्बई में, कलकत्ता में और मद्रास में। और सबसे इंपॉर्टेंट आपसे एग्जामिनेशन पूछेगा, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का एस्टेब्लिशमेंट जब हुआ था उस समय कौन थे भारत के गवर्नर जनरल? तो वो थे लॉर्ड डलहौजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1852 में PWD का एस्टेब्लिशमेंट, जो SSC JEE का क्वालिफाई करने के बाद आपको पोस्ट मिलते हैं। और फिर से आपको पूछेगा टेलीग्राम सर्विस किसने स्टार्ट किया, तो इन्होंने ही स्टार्ट किया था। पोस्टेज टिकट, मतलब कि इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट का एस्टेब्लिशमेंट इनके टाइम पीरियड में, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में ही स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट जो होगा आपका लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग मैंने बता दिया, अभी इनके टाइम पीरियड में ये एक्ट बन गया था। 1857 का विद्रोह होगा, अच्छा, 1857 का विद्रोह भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी कवर करना होगा। और इनके टाइम पीरियड में एक एक्ट आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में, जिसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिकम क्या बन जाएगा, वाइसराय बन जाएंगे। ठीक है, अब इनके पोस्ट को क्या किया जाएगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ना नहीं रख करके अभी ये वाइसराय बन जाएंगे। देखिए, गवर्नर जनरल और वाइसराय में कुछ डिफरेंसेस है दोनों के बीच, मतलब ज़्यादा देखिए क्या डिफरेंसेस है। जो गवर्नर जनरल जो हुआ करते थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन होकर के काम करते थे, और जो ये वाइसराय जो किंग थी, जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में जो, या ब्रिटेन गवर्नमेंट में जो किंग थी, लॉर्ड एलिजा जो 1911 में आपके जो जो जेम्स प्रथम थे, ठीक है, जो भारत आते 1911 में, उनके अब यहाँ से क्या होंगे, किंग का रूल स्टार्ट हो जाएगा भारत में। मतलब वो अपने अधीन अब वाइसराय भेजेंगे बना करके, अब गवर्नर जनरल जैसा कोई पोस्ट नहीं रहेगा, वाइसराय बना करके हम लोग भेजेंगे, और पूरी तरह से क्राउन रूल जो है भारत में चलना स्टार्ट हो जाएगा। जो 1857 के विद्रोह के बाद ये चीज़ें ब्रिटेन के पार्लियामेंट में ये लागू की जाती है। लॉर्ड कैनिंग अब जो होता है लास्ट गवर्नर ऑफ इंडिया, अब जैसे कि पूछा जाएगा लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो लॉर्ड कैनिंग, और फर्स्ट वाइस राय कौन हुए, तो लॉर्ड कैनिंग हुए। ये क्लियर है आपका। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कि इंडियन पिनल कोड जो हो गया, भारतीय दंड संहिता जो लागू की गई थी या भारत में जब आई थी, कब आई थी, तो 1861 ईस्वी में, और किनके टाइम पीरियड में, तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड में आए थे। 1862 में क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट किया गया था, मतलब भारत का विभागीकरण किया गया था। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरह से कि किसे फादर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डिपार्टमेंट कहा जाता था, मतलब इन्होंने क्या किया था, जितने भी विभाग थे, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट हो गया, होम मिनिस्टर का पोस्ट हो गया, फॉरेन मिनिस्टर का, एजुकेशन मिनिस्टर का, हेल्थ मिनिस्टर का, सारा विभाग को क्या किया था इन्होंने, क्लासिफिकेशन कर दिया गया था, इसलिए इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डिपार्टमेंट। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बन सकते हैं।
सीएम का पोस्ट अलग होगा, फाइनेंस मिनिस्टर का डिफेंस पोस्ट अलग होगा, ये सारा करने वाले कौन थे, तो ये लॉर्ड कैनिंग थे। इतने क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से बनेंगे। नेक्स्ट आपके लॉर्ड रिपन के ऊपर क्वेश्चन बनेगा, जो इनका टाइम पीरियड है ये। देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, पहला तो क्वेश्चन यही पूछा जाए कि फर्स्ट फैक्ट्री मतलब कि प्रथम फैक्ट्री अधिनियम एक्ट किनके द्वारा पारित किया गया था, तो लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। इन्होंने पूछा जाए किसने लोकल गवर्नेंस मतलब कि स्थानीय स्वशासन स्टार्ट करने वाले कौन थे, तो लॉर्ड रिपन, और कब 1882 में लॉर्ड। इसके बाद देखिए एक आपके जो वाइसराय आते हैं लॉर्ड लिटन, इनका एक क्वेश्चन ही बस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है हमेशा ही कि 1818 में एक वर्नेक्यूलर एक्ट प्रेस मतलब कि वर्नेक्यूलर प्रेस एक्ट पास किया गया था, मतलब कि जो भी भारतीय न्यूज़पेपर थे उनको क्या किया गया था, उनको बैन कर दिया गया था। किनके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड लिटन के द्वारा। बस इतना ही क्वेश्चन उनसे बनेगा। फिर से बात करते हैं लॉर्ड रिपन के द्वारा बारह, इन्होंने क्या किया था, जो वर्नेक्यूलर प्रेस एक्ट को जो बैन किया गया था, इन्होंने जो पारित किया था ये एक्ट को कि न्यूज़पेपर इंडिया के बैन हो जाएंगे 1878 में, अब उनको इन्होंने क्या किया था, ये जो एक्ट को तो समाप्त कर दिया गया था। किनके द्वारा, तो पूछा जाएगा किनके द्वारा समाप्त किया गया, तो रिपन के द्वारा। किनके द्वारा चालू किया गया, तो लिटन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट 1872 में लॉर्ड मायो, याद रखिएगा एक 1872 में एक और आपके जो वाइसराय होते हैं लॉर्ड मायो, इनके भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने इनके बारे में डिटेल नहीं लिखा अलग से, बस यहीं पे मेंशन कर दिया है। इन्होंने फर्स्ट इन्होंने जो कंडक्ट कराया था फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया, या पूछा जाएगा किसने कि भारत का जो जनगणना, पहला भारत का जो जनगणना हुआ था किसने कराया था, तो लॉर्ड मायो ने ही कराया था, लॉर्ड मायो ने ही कराया था। याद रखिएगा एग्जामिनेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। और ये एकमात्र एक इकलौता वायसराय है जिसकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, इनकी हत्या कर दी गई थी। मैंने बताया इससे पहले कि एक ऐसा वायसराय था जिनको इम्पीचमेंट से हटाया गया, एक ऐसा वायसराय था जिनकी भारत में मौत हो गई थी उनके, और ये एक ऐसा मात्र जिनकी हत्या कराई गई थी। ठीक है, तो ये सारा चीज़ क्वेश्चन में आपके एग्जामिनेशन में बने हुए हैं। तो ये हो गया फर्स्ट सेंसस कराने वाले कौन थे, तो याद रखिएगा लॉर्ड मेयो। लेकिन क्या होता है कि सुचारू रूप से नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत 1881 में किसने कराया था, तो याद रखिएगा लॉर्ड रिपन ने ही कराया था, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं फादर ऑफ इंडियन सेंसस, भारतीय जनगणना के जनक। अब इसने क्या किया था, एक कमीशन लागू किया था, एक कमीशन हंटर कमीशन बनाया था। पूछा जाएगा हंटर कमीशन किससे रिलेटेड है, तो देखिए ये कमीशन किस लिए बनाया गया था कि भारत में जो भी एजुकेशन सिस्टम है, जो भी शिक्षा जगत से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, उसके सुधार के हेतु के लिए हंटर कमीशन को लागू किया गया था इनके टाइम पे ही। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो होंगे लॉर्ड कर्जन जी, पता है आप सभी को लॉर्ड कर्जन के बारे, 1905 में जो पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है, सबसे इंपॉर्टेंट कि कौन पूछा जाएगा वायसराय, तो लॉर्ड कर्जन था। फिर नेक्स्ट इससे पूछा जाएगा कि नेचुरल डिजास्टर कमीशन किनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया, तो लॉर्ड कर्जन। और जो पीएससी मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट करने वाले कौन है, तो लॉर्ड कर्जन ही थे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आरपीएफ के एग्जाम में पूछा गया था कि पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक किनको कहा जाता, तो लॉर्ड मिंटो टू को कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके आ जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन जी। अब आप समझ रहे होंगे कि देखिए इसके बाद और भी आपके होंगे लॉर्ड, जो अभी मैंने कंप्लीट किया लॉर्ड कर्जन के बाद लॉर्ड मिंटो मैंने बता दिया आपको, उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग आएंगे। लॉर्ड हार्डिंग में मैंने आपको बताया था उनका जो टाइम पीरियड चलता 1910 से लेकर के 1916 को, सुनिएगा ये सारी चीज़ें मैंने पहले के वीडियो में बता दिया कैसे, देखिए 1910 से 1916 के तक चलता है लॉर्ड हार्डिंग का, लॉर्ड हार्डिंग टू का टाइम पीरियड, मतलब कि ये वायसराय बन गया। इनके टाइम पीरियड में क्या होता है, 1911 में दिल्ली को कैपिटल बनाया जाता, तो पूछेगा दिल्ली को जब कैपिटल बनाया गया तो उस समय वायसराय कौन थे, पहले भी मैंने बता दिया लॉर्ड हार्डिंग ही थे। जनगणमन गाया गया था इनके स्वागत में, किनके स्वागत के लिए, जो ब्रिटेन के किंग जॉर्ज पंचम आए थे, ये सारी चीज़ें मैंने बता रखा, मैं बस रिकॉल कर रहा हूँ, आए थे भारत में, जिनके लिए दरबार बनाया गया था, गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगणमन गाया था। ठीक है, इनके टाइम पीरियड में, उसके बाद इन्होंने क्या था, रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या होता है लिटरेचर के लिए, गीतांजलि के लिए उनके लिटरेचर जो होते हैं उनके लिए नोबेल प्राइज़ मिलती है, तो ये सारी चीज़ें इनके टाइम पीरियड में ही होती है। और हार्डिंग क्या हुआ था, बम कॉन्स्पिरेसी भी हुआ था, याद है हार्डिंग का बम कांड हुआ था 1913 में, मैंने बताया था। एकमात्र इकलौता वायसराय पूछा जाए क्वेश्चन से, ऐसा वायसराय कौन है जिस पर बम फेंक करके जिस पर ऊपर बम फेंका गया था, हालांकि उसकी मृत्यु नहीं हुई थी उस बम फेंकने के कारण के दौरान, क्योंकि वो गाड़ी में वो थे ही नहीं, ये और ये काम किसने किया था, राजबिहारी बोस ने किया था। ठीक है, ये चीज़ें मैंने पार्ट वन में कंप्लीट की, इसलिए मैंने नहीं लिया है लॉर्ड हार्डिंग टू को, क्योंकि वह सारी चीज़ें वहाँ कवर कर दी करा दी है। अब आएगा 1900, उसके बाद फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड आएंगे, तो अब लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में मैंने आपको बता रखा, उस समय ही बता दिया था कि जो इनका टाइम पीरियड चलेगा आपका 1916 से लेकर के 1921 में, और आपको पता है कि 1916 से ही
गांधी युग स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि गांधी के द्वारा पहला मूवमेंट 1917 में चंपारण चलाया जाएगा। पूछा जाएगा चंपारण सत्याग्रह चलाएगा तो कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, वो BHU की स्थापना इनके द्वारा ही कराई गई थी। फिर पूछा जाएगा कि जो आपका खेड़ा सत्याग्रह हुआ था गांधी जी के द्वारा, फिर पूछा जाएगा जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था तो कौन थे वाइसराय, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड ही थे। ये सारी चीज़ें आपको पता है, एक याद रखना है आपको क्या कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, पूछा जाएगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो स्थापना की गई थी उसमें वाइसराय कौन थे, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, या फिर किनके द्वारा कराई गई, तो याद रखिएगा सर सैयद अहमद खां के द्वारा कराया गया था, ठीक है। तो इसको रिलेट कर लीजिएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है, एल से हो गया लॉर्ड, CH से हो गया चेम्सफोर्ड। इनके टाइम पीरियड जो है आपका 1916 से लेकर के 1921, मतलब 1916 से लेकर 1921 तक की जितनी चीज़ें मैंने पार्ट वन में बताई हैं उस समय वाइसराय कौन है भारत का, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड ही है। अब लॉर्ड माउंटबेटन आएंगे, हमारा ये लास्ट वाइसराय होगा भारत का, और लास्ट जो होंगे ये आपके गवर्नर जनरल से जितनी चीज़ें होंगी ये सारे यहाँ पे लास्ट हो जाएगी। लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया यही होगा, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये लॉर्ड माउंटबेटन आते ही इनको वाइसराय बनाकर के भेजा ही जाता है भारत को आज़ाद करने के लिए। इनके द्वारा एक प्लान भेजा जाता है, क्योंकि इनके टाइम पीरियड में एक्ट आएगा 1947 में, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, मतलब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम एक्ट पास आता है। इसमें एक माउंटबेटन प्लान आता है जिसमें इंडिया को इंडिपेंडेंट कर दिया जाता है और पाकिस्तान को भी इंडिपेंडेंट कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा जब ये एक्ट आया था या फिर भारत को जब आज़ाद किया गया तो उस समय ब्रिटिश के PM कौन थे, क्लेमेंट एटली थे। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सी राजगोपालचारी प्रथम, मतलब कि फर्स्ट और लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया के बनते हैं, और यहाँ से सारा गवर्नर जनरल का पोस्ट, वाइसराय का पोस्ट, सारा चीज़ें यहाँ के बाद ख़त्म हो जाएगी। तो इतना क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं, और कुछ छः क्वेश्चन और हैं जो गवर्नर जनरल से बनेंगे। पूछा जाएगा लिबरेटर ऑफ प्रेस, मतलब प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। लॉर्ड हार्डिंग टू जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल को रद्द किया था। देखिए पार्टीशन ऑफ बंगाल को लागू किसने था, लॉर्ड कर्जन ने। रद्द करने वाले कौन है, लॉर्ड हार्डिंग टू थे। कैबिनेट मिशन जब भारत आया था तो उस समय कौन थे, लॉर्ड वेवल थे। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड जो फिनिश वर्ल्ड वार जो फिनिश हुआ था 1939 से 1945 तक चला था, लॉर्ड वेवल ही थे आपके वाइसराय। और उसके बाद पूछा जाएगा फर्स्ट मीटिंग जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब संविधान सभा की जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी आई थिंक, तो इस समय कौन थे, तो जो थे लॉर्ड वेवल ही थे वाइसराय। ये चीज़ आपको एग्जामिनेशन में पूछा गया इसलिए मैंने नोट डाउन यहाँ कर दिया अलग से। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका ERPF का ही क्वेश्चन है कि फर्स्ट सेंट्रल इलेक्शन ऑफ इंडिया, भारत में पहली बार चुनाव कराया गया था किनके टाइम पीरियड में, लॉर्ड लिनलिथगो ने, ठीक है। ये सारा चीज़ हो गया। अब बात हम लोग करेंगे सोशल रिफॉर्म्स रिगार्डिंग, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए भारत में बहुत ऐसे समाज सुधारक भी रहे हैं, बहुत सारी कामें की गई है भारत में। पहला ब्रह्म समाज के बारे पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ही आपके एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कैसे, कि ब्रह्म समाज के फाउंडर कौन है, तो राजा राम मोहन राय जी हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था, बंगाल के राधानगर में। और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, 1828 ईस्वी में हुई थी। और एक क्वेश्चन अभी आपका CGL में जो आपका पेपर हुआ CGL, और अभी उसके पहले जो RPF का एग्जामिनेशन, यहाँ दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसे, मतलब किसने दी थी, मतलब भारत में पश्चिमी शिक्षा, मतलब वेस्टर्न एजुकेशन जो आपका चलते आ रहा है, और अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने किए थे, तो मतलब राजा राम मोहन राय ने ही किए थे, ठीक है, राजा राम मोहन राय ने किया था। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट, इन्होंने क्या काम किया था कि जो मूर्ति पूजा होता है इन्होंने इसको ख़त्म कर दिया था, इस प्रथा को, सती प्रथा को इन्होंने ख़त्म किया था, जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक को इन्होंने रिकमेंडेशन भेजा था कि सती प्रथा को एबॉलिश किया जाए। तो कौन थे आपके, राजा राम मोहन राय ने रिकमेंडेशन किया था, उस समय कौन थे आपके गवर्नर जनरल, तो विलियम बेंटिंक थे। और सबसे पहले इसे कहाँ लागू किया गया था, ख़त्म करने के बाद इसे बंगाल में लागू किया गया था। इससे पूछा जाएगा कि हिंदू कॉलेज की स्टैब्लिशमेंट 1816 में किया गया था, कहाँ पर, कलकत्ता में, राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी, किसने दी थी, तो मुगल का एक बादशाह था अकबर टू ने दिया था, मुगल का बादशाह अकबर टू, ये वो अकबर नहीं है याद रखिएगा, अकबर टू है, अभी मैं आपको बताऊंगा मुगल जब पढ़ाऊंगा तब, ठीक है। तो टाइटल ऑफ राजा गिवन बाय अकबर टू, ही इज़ ऑल्सो नॉन बाय, राजा राम मोहन राय को हम लोग क्या नाम से भी और जानते हैं, पैगंबर ऑफ न्यू इंडिया, या फिर ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ रेनेसेंस ऑफ इंडिया, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद आपके इंपॉर्टेंट पूछता है कि ओनली वन सोशल रिफॉर्मर हु डाई इन फॉरन, मतलब ये राजा राम मोहन एक ऐसे समाज सुधारक थे, मतलब कि सोशल रिफॉर्मर थे, जिनकी मृत्यु फॉरन में होती है, इंग्लैंड में हो जाती है, और इनकी समाधि भी आपको इंग्लैंड में ही मिलेगी। तो पूछा जाएगा वो सोशल समाज सुधारक कौन थे, सोशल रिफॉर्मर कौन थे, जिनकी मकबरा या जिनकी टॉम कहाँ है आपके आपके ब्रिटेन में है, मतलब कि इंग्लैंड में है, तो वो कौन हो गए, राजा राम मोहन राय। इतने आपके हो गए राजा राम मोहन राय से क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
यानी कि आर्य समाज से, उसके बाद आर्य समाज का जो, आर्य समाज को जो लीड करेगा कौन करेगा, आपके ब्रह्म समाज के नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था, ठीक है। इनकी मृत्यु के बाद, सॉरी आर्य समाज नहीं, ब्रह्म समाज जो हम लोग बात कर रहे थे, ब्रह्म समाज का नेतृत्व कौन करेगा, देवेंद्रनाथ टैगोर करेंगे। अब लीडरशिप ब्रह्म समाज का आफ्टर राजा राम मोहन राय के बाद ये करते हैं, इनको लीड करते हैं, और ये इनके ब्रह्म समाज में जो प्रथाएं चलाई जाती हैं उनको लागू करेंगे और उनको मतलब कि फॉलो कराएंगे सभी के साथ, सभी को। देवेंद्रनाथ टैगोर ने फाउंड किया था तत्वाबोधिनी, पूछा जाएगा तत्वाबोधिनी सभा, और इन्होंने किसने फाउंड किया था तो रवि देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था, और पूछा जाएगा कि इन्होंने तत्वबोधिनी पत्रिका किसने पब्लिश किया था तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने। इसमें मेनली बंगाली पत्रिका है ये, और इनका जो प्रोपेगेट, जो इनका मेन काम क्या होता था ये पत्रिका में, राजा राम मोहन राय के जो भी माइंड सेट होते थे या फिर उनके बारे जो आइडियाज़ होते थे, उनके आइडियाज़ को क्या करना होता था, प्रोपेगेट करना होता था। पूछा जाएगा क्वेश्चन में तत्वाबोधिनी सभा किस, तत्वाबोधिनी सभा किसने किया था इस्टेब्लिश, फाउंडेशन देवेंद्रनाथ टैगोर, और पब्लिश किसने किया था पत्रिका को, तो यही किया था देवेंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद आएंगे केशव चंद्र सेन, ब्रह्म समाज का फिर से ये लीडिंग करेंगे आफ्टर, जब देवेंद्रनाथ टैगोर कुछ समय के लिए एबसेंट होते हैं, कुछ और काम के लिए बाहर चले जाते हैं, तो उस समय जो लीडिंग करेंगे केशव चंद्र सेन करेंगे। तो यही क्वेश्चन आपसे, एक क्वेश्चन यहाँ से दो क्वेश्चन आपसे बनना जाता है, इंडियन मिरर के राइटर कौन है, तो यही है केशव चंद्र सेन, और इन्होंने राइट क्या क्या है, बम्बा बोधनी पत्रिका, ठीक है, महिलाओं के कल्याण है, तो मतलब महिलाओं से रिलेटेड काफ़ी काम इन्होंने किए थे केशव चंद्र सेन। तो ये दो चीज़ें आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं, तो ब्रह्म समाज से रिलेटेड इतने क्वेश्चन। अब बात करेंगे प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए प्रार्थना समाज का जो फाउंडर है एम जी रनाडे जी, कहाँ का रहने वाले थे, याद रखिएगा महाराष्ट्र का, इन महाराष्ट्र के रहने वाले थे, और पूछा जाएगा महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं, तो एम जी रनाडे को कहते हैं, और गोपाल कृष्ण गोखले को, गोखले का ये पॉलिटिकल गुरु थे, तो पूछा जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले का पॉलिटिकल गुरु कौन थे, तो एम जी रनाडे जी थे, ठीक है। इतने क्वेश्चन बनेंगे प्रार्थना समाज। उसके बाद आएगा आर्य समाज, आर्य समाज का पूछा जाएगा फाउंडेशन कौन किए थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था 1875 में, अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ मैं मेंशन कर दे रहा हूँ 1875 में। फर्स्ट हेडक्वार्टर आर्य समाज का कहाँ था, क्वेश्चन पूछा गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए देखिए मैंने नोट डाउन कर रखा है, तो हेडक्वार्टर कहाँ था आपका आर्य समाज का, तो लाहौर में था। पूछा जाएगा रियल नेम क्या है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती का, तो मूल शंकर, कई बार एग्जामिनेशन का फेवरेट क्वेश्चन है। इन्होंने शुद्धि मूवमेंट चलाया था, ठीक है, मतलब कि आप जो लोग भी धर्म परिवर्तन से रिलेटेड चीज़ है, तो इन्हें कहा गया था शुद्धि मूवमेंट, आप इस धर्म से इस धर्म में आ सकते हैं, तो क्यों चलाने वाले, पूछा जाएगा इस तरह से कि शुद्धि मूवमेंट किसने चलाया था, स्वामी दयानंद सरस्वती, या फिर शुद्धि मूवमेंट किससे रिलेटेड है, तो बस आपको जवाब देना आर्य समाज से रिलेटेड है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद इनका जो मोटो था, देखिए इनका एक नारा भी दिया था, गो बैक टू दिस, गो बैक टू दी वेदास, मतलब कि वेदों की ओर लौटो, इंडिया फॉर द इंडियन, मतलब भारत भारतवासियों के लिए है, तो ये दोनों नारा आपको याद रखना है। पूछा जाएगा किसने दिया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती राइट किया था, क्या इन्होंने कुछ चीज़ें लिखी है, सत्यार्थता प्रकाश मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख करके रख लीजिए, किसी न किसी शिफ्ट में ये आपको एग्जामिनेशन में मिलेगा। और इन्होंने वेदवाश्य भूमिका भी लिखा है। स्वामी दयानंद सरस्वती फर्स्ट इंडियन है जिसने यूज़ किया था स्वराज वर्ड को, ये मैंने आपको बता रखा है, स्वामी दयानंद सरस्वती जिसने फर्स्ट टाइम स्वराज वर्ड को यूज़ किया है, और स्वराज की मांग किसने की थी, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए, मैंने बता रखा है पहले ही पार्ट में। अब जो आएगा रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन के फाउंडेस्ट जो फाउंडर हैं वो है स्वामी विवेकानंद जी, 1897 में इन्होंने फाउंडेशन किया है रामकृष्ण मिशन का, और रियल नेम कौन क्या है स्वामी विवेकानंद का, नरेंद्र दत्त जी हैं, मतलब नरेंद्र दत्त हैं, स्वामी विवेकानंद का नाम क्या है, नरेंद्र दत्त, रियल नेम। पूछा जाएगा नरेंद्र दत्त किसको जानते हैं, स्वामी विवेकानंद को जानते हैं नरेंद्र दत्त के नाम से, और स्वामी विवेकानंद के याद में प्रत्येक वर्ष हम लोग क्या करते हैं, 12 जनवरी को, याद ही आप सभी को, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, और नव हिंदूवाद का जनक भी इनको कहा जाता है, तो पूछा जाएगा नव हिंदूवाद का जनक किसे कहते हैं, तो स्वामी विवेकानंद जी को ही कहते हैं, ठीक है। लास्ट थियोसोफिकल सोसाइटी अब आएंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, फाउंडेशन कौन किया था इनका, मैडम एच पी बल्बत स्काई एंड एम एस ऑलकोट इन US में ये किया गया था, ये सोसाइटी चलाया गया था 1875 में, मतलब फिलोसफी के ऊपर ये सोसाइटी थी, फिलोसफी यहाँ पे बातें होती थी, फिलोसफी के ऊपर बहुत सारी बातें होती थी थियोसोफिकल सोसाइटी में। तो पूछा जाएगा कि ये US में किसने इस्टेब्लिशमेंट किया था, एच पी बल्बत स्काई एंड एम एस ऑलकोट ने, लेकिन भारत में ये कौन चला रहे थे, तो आपके जो जो फर्स्ट ये भारत का ये जो आया था, और भारत में जो आया था तमिलनाडु में,
ठीक है, तमिलनाडु में आया था इनको, तमिलनाडु में इनका जो हेडक्वार्टर बनाया गया था, या ये सोसाइटी की जो यहाँ पे मतलब इनकी सारी चीज़ें की जो भी वहाँ प्रथाएं चल रही थी उनको जो यहाँ पे भी एक सोसाइटी बना करके भेजा, मतलब कि जैसे कि कोई कंपनी है US में चल रही है, अब वो अपना एक कंपनी भारत में भी खोल दी, तो इसी का थियोसोफिकल सोसाइटी ने अपने एक सोसाइटी भारत में खोला, कहाँ खोला था थियोसोफिकल सोसाइटी पूछा जाएगा, अद्यार तमिलनाडु में। और इसका जो प्रेसिडेंट इलेक्टेड किया गया था, किसे इलेक्ट किया था, एनी बेसेंट को। अब एनी बेसेंट के बारे में बहुत चीज़ें बताया पहला पार्ट में, जहाँ से क्वेश्चन बनाया जाता है, 1917 में ये फर्स्ट फीमेल थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो बनी है प्रेसिडेंट, तो ये सारी चीज़ें हैं। फाउंडर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी पूछा जाएगा एग्जाम में, कहाँ पे किया गया था, कब, किनके द्वारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट विलियम जोन्स कलकत्ता में, किसी शिफ्ट में आपको ये एग्जामिनेशन मिलेगा। फिर पूछा गया है आपसे फाउंडर ऑफ प्रेयर सोसाइटी प्रार्थना समाज, आत्माराम पंडुरंग ने किया था, बाल गंगाधर तिलक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे वन लाइनर भी मैंने ले लिया है। बाल गंगाधर तिलक एकमात्र ऐसे गरम दल के नेता थे जिसने किसी कभी भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी, ठीक है, याद रखिएगा। पूछा गया है क्यों कांग्रेस की अध्यक्षता किस गरम दल के नेता ने कभी नहीं किया, तो बाल गंगाधर तिलक ने नहीं किया है। आपको पाल याद है, लाल बाल पाल से मैंने याद कराया था गरम दल के नेता का, लाल बाल पाल गरम दल के नेता थे। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, चौधरी रहमत अली, और डिमांड किसने किया था, ये अलग चीज़ है, मैंने बता दिया है पहले पार्ट में। सोरा चलिए आप कमेंट करके मुझे बताइए कि डिमांड पाकिस्तान की कब की गई थी और किनके द्वारा की गई थी। स्वराज शब्द गिवन बाय स्वामी दयानंद सत, बट डिमांड जो किया गया था स्वराज, चलिए हम, मैंने आंसर बता दिया, मोतीलाल नेहरू। और वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, पूछा जाएगा बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय जो पहली संस्कृत विश्वविद्यालय बनाई गई थी कहाँ पर, तो बनारस में, किनके द्वारा, वारेन हेस्टिंग के द्वारा। विल्किंसन ने गीता का अनुवाद किया था अंग्रेजी में, पूछा जाएगा गीता का अनुवाद करने वाले कौन हैं अंग्रेजी में, तो विल्किंसन है, ठीक है। तो इतने हो गए आपके रिफॉर्मर समाज सोशल रिफॉर्म से रिलेटेड। अब हम पढ़ेंगे कुछ क्रांतिकारी आंदोलन, बिल्कुल क्रांतिकारी भावना अब आपके अंदर जगनी चाहिए। क्रांतिकारी आंदोलन से रिलेटेड हम लोग इसमें बात कर लेंगे, बहुत जल्दी इसको खत्म करेंगे 10 मिनट के अंदर, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारी शिकायतें होती है कि इतनी लंबी वीडियो ना बनाओ भाई, तो ठीक है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हमें देनी होती है, जितनी कम चीज़ें मतलब कि कम टाइम पर ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करना हमारा आदत है। सबसे पहले क्रांतिकारी आंदोलन मतलब जिन्होंने कोई कर, देखिए ऐसे क्रांतिकारी आंदोलन का मतलब आपको क्या समझ आता है, कुछ ऐसे क्रांतिकारी भारत में थे जिनको आज भी हम नहीं जानते बहुत कोई को, जो फेमस नहीं, लेकिन वो भारत की आज़ादी के लिए उन्होंने भी बहुत बड़े बलिदान दिए हैं। वो कोई ऐसे लोग थे जो भारत में ना रह करके विदेश से भी भारत को सपोर्ट किए भारत को आज़ादी दिलाने में, तो ऐसे क्रांतिकारी थे उनके बारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग को अवेयरनेस नहीं है, इसलिए एग्जामिनेशन में यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, क्या क्या पुटअप किए जाते हैं, किन किन के बारे में, वो अभी हम लोग सब कुछ देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आएंगे चापेकर ब्रदर मतलब चापेकर बंधु, तो क्वेश्चन यही पूछा जाएगा चापेकर बंधु कहाँ के मतलब रहने वाली है, जन्म हुए तो महाराष्ट्र के, तो याद रखिएगा। अगर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पहले वो कौन सा जगह है भारत का जहाँ पर क्रांतिकारी जन्मे थे, तो महाराष्ट्र, ऐसे भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, तो महाराष्ट्र में जन्म हुआ था उनका चापेकर बंधु। चापेकर बंधु दोनों का नाम पूछ लिया जाएगा, बाल कृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर ये थे। चापेकर ब्रदर शूट आउट ऑफ दी जो देखिए प्लेग आपका एक बीमारी होता है चूहे काटने से फैल जाता है, तो जिसके कारण भारत में काफ़ी सारी मतलब कि लोगों की मृत्यु हो गई थी, लेकिन यही क्वेश्चन है, इतना छोड़िए, लेकिन क्वेश्चन इस तरह ये पूछा जाएगा कि किसने जो है प्लेग्यू कमीशन, प्लेग जो भारत में फैल गया था उसके लिए एक कमीशन बनाया गया था, उसके जो कमिश्नर थे उनकी हत्या करने वाले, गोली से उनकी हत्या करने वाले कौन थे, तो चापेकर ब्रदर ही थे। और ये पहले यूरोपियन थे जिनकी हत्या भारत में की धरती पर हुई थी, कोई एक ऐसे यूरोपियन, कोई ऐसा अंग्रेज जिनकी भारत में हत्या हुई थी वो कौन किए थे, तो चापेकर ब्रदर ने शूट आउट उनको किया था, शुभ काम ये करने वाले वही थे। खुद्दीराम बोस आएंगे और प्रफुल्ल चंद के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ये बंगाल के क्रांतिकारी थे, याद रखिएगा कहाँ से बिलोंग करते हैं, बंगाल से। इन्होंने मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश जॉर्ज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका, तो पूछा जाएगा कि मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश जॉर्ज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने वाले कौन है, तो यही दो महाकर्ता हैं हमारे। और खुद्दीराम बोस पहले क्रांतिकारी थे जो सबसे कम उम्र में शहीद हुए थे, इनके बड़े बहुत अच्छे अच्छे स्टोरी हैं, आप पढ़ने गए तो आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे, जो इन्होंने बातें कही थी जब इनको फांसी चल रही थी, तो सबसे कम उम्र थे, इनको कहा गया था ब्रिटेन के जो वहाँ पे अधिकारी लोग थे कि आपको इतने कम उम्र में आपके हाथों में पढ़ाई लिखाई की चीज़ें होनी चाहिए, किताबें कॉपियाँ होनी चाहिए, आपको पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए थे, और इस टाइम में आपको जो है फांसी चल रही और आप ऐसे काम कर रहे थे, तो बहुत अच्छी अच्छी बात इस समय इनका जवाब भी देते हैं खुद्दीराम बोस, तो उतना हमें डिटेल नहीं जाना है, इसलिए हम ये क्रांतिकारी ऐसे लोग हैं जिनके बारे में जाननी चाहिए, क्योंकि भारत की आज़ादी में इन्होंने बहुत बड़ा बलिदान दिया इन्होंने, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन भी पुटअप किए जाते हैं। अब इसके बाद आएंगे हमारे मिस्टर भगत सिंह, भगत सिंह के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के जो इस्टेब्लिशमेंट करता है कौन है,
तो 1924 में इस्टेब्लिशमेंट किया था, और इनके प्रेसिडेंट किनको बनाया था भगत सिंह ने, तो राम प्रसाद बिस्मिल को बनाया गया था। 1925 में काकोरी कॉन्स्पिरेसी होती, आपको पता है कि कानपुर में एक ट्रेन को लूटा जाता था, अंग्रेज के खजाना वहाँ से जा रहा होता उस ट्रेन से, और उस ट्रेन को लूटा जाता है इनके द्वारा ही, काकोरी कॉन्स्पिरेसी। तो पूछा जाए काकोरी कॉन्स्पिरेसी का ईयर आपसे एग्जामिनेशन 1925, ठीक है। लाला लाजपत राय की जो मौत हो गई थी, आपको बताया था मैंने, जो साइमन कमीशन जो आया था उस समय जो इनकी मृत्यु हो जाती है उन जो लाठीचार्ज में, उनका बदला ही लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए ही भगत सिंह क्या करते हैं और चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने क्या करते हैं, लाहौर के पुलिस कमिश्नर सॉन्डर्स को गोली मारकर हत्या करते हैं। तो उनका बदला लेते हैं यहाँ पर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु। भगत सिंह एवं बट्टू केशव दत्त ने दिल्ली में स्थित सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। तो पूछा जाएगा सेंट्रल केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने वाले कौन थे, तो भगत सिंह, बट्टू केशव दत्त। मे भी ऑप्शन में ये नहीं रहेगा, भगत सिंह ही रहेगा। तो भगत सिंह, और हो सकता है पूछा जाएगा इस तरह से कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में पूछा गया है, पूछा जाएगा क्या कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जब बम फेंका गया तो भगत सिंह का साथ किसने दिया था, तो बट्टू केशव दत्त ने दिया था। भगत सिंह को शहीद ए आजम के नाम से जानते हैं, पूछा जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले देखिए किसने दिया था, मोहम्मद इकबाल ने हालांकि दिया था, लेकिन इसको फेमस करने वाले कौन है, हमारे भगत सिंह थे, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल ने ही लिखा है, ठीक। इसके बाद बात करेंगे चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। चंद्रशेखर आज़ाद 1931 में चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे। चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे, और ये कहाँ पर शहीद हुए थे ये आपसे पूछा जाएगा, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। बहुत अच्छा स्टोरी इनके बारे में आप पढ़ोगे किताबों में कि ये पार्क में बैठे हुए रहते हैं। हालांकि कोई भारत का एक नुमिंदा ही ऐसा हो, नेता ही है, चलिए ये सारी बातें नहीं की जानी चाहिए, जो बताते हैं चंद्रशेखर आज़ाद के मृत्यु का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि ये जो क्योंकि ये देखे कभी भी एक जगह नहीं टिकते थे, हर 10 दिन 15 दिन में एक स्थान से दूसरे स्थान इस तरह से ये क्रांतिकारी फैला करके अंग्रेज़ों के अंदर डर बैठा कर रखे हुए थे। लेकिन ये इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी चंद्रशेखर आज़ाद की, तो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में बैठे रहते, और इसकी जानकारी अंग्रेज़ को दे दिए थे। ये देखिए अंग्रेज को जानकारी जो दे दिए थे, एक नेता ही है, बहुत ही कंट्रोवर्सी है, दे देते हैं, और जिसके कारण इनके क्या होती है, यहाँ पे इनको घेर लिया जाता है अल्फ्रेड पार्क को, अल्फ्रेड पार्क में, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद को। देखिए चंद्रशेखर आज़ाद ऐसे क्रांतिकारी थे, अंग्रेजों को इतना इनसे डर था कि जब इनको इनके ऊपर फायरिंग की गई तो चंद्रशेखर आज़ाद ने भी बदले में इनके ऊपर फायरिंग किए, और वही उस बदले में उन्होंने कई सारे अंग्रेज़ों की मौत भी उन्होंने ली। लेकिन लास्ट जब उनका बिल्कुल वो बिल्कुल उनके पास अब गोलियां भी ख़त्म हो गई थी, तो लास्ट जब गोली बचे तो उन्होंने अपना खुद से उन्होंने मौत को गले लगा लिया था। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन कि खुद से मौत को गले लगाने वाले कौन से क्रांतिकारी थे, तो चंद्रशेखर आज़ाद ही थे इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। तो ये ऐसे दहशत फैलाए हुए थे अंग्रेज़ों के दिल में कि इनके मृत्यु के बाद में भी अल्फ्रेड पार्क में ये मर भी गए थे, लेकिन इनके पास आने के लिए पूरे पुलिस जो ब्रिटेन के पुलिस थे इनके पास आने में भी इनको डर लग रहे थे कि कहीं अगर ये ज़िंदा रहें तो फिर हमारा क्या होगा, क्योंकि तो इनकी मृत्यु बोला जाता है ऐसा कि सुबह में 10-11 बजे हो जाते हैं, लेकिन शाम तक इन पर इनके लाश के ऊपर काबू किया जाता है, मतलब इनके पास आने लोग इतने डर रहे थे अंग्रेज के पुलिस लोग। भारत से बाहर विदेश में भी कई आंदोलन किए गए थे, यही ठीक है। अब देखिए भारत में ऐसे क्रांतिकारी थे और साथ में विदेश में भी कुछ ऐसे क्रांतिकारी थे जो भारत को आज़ाद करने के लिए कई सारे चीज़ें काम किए हैं। तो उसमें से पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा ये कि इंडियन होम रूल सोसाइटी के बारे पूछा जाएगा कि इनके इस्टेब्लिशमेंट कर्ता कौन है, तो श्याम कृष्ण वर्मा थे। 1905 में लंदन में कराया गया था इंडियन होम रूल सोसाइटी को। 1916 में एनी बेसेंट अद्यार में तमिलनाडु में इन्हें सोसाइटी को चलाया गया था। भारत में देखिए पूछा जाएगा कि इंडियन होम रूल सोसाइटी को चलाने वाले कौन थे भारत में, तो एनी बेसेंट भारत में चला रहे थे अद्यार तमिलनाडु में, और बाल गंगाधर तिलक पूना में चला रहे थे 1916 में। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, इनका इस्टेब्लिशमेंट 1905 में होता लंदन में, लंदन में श्याम कृष्ण वर्मा जी। देखिए वहाँ पर क्या हो रहा था कि इंडियन होम रूल सोसाइटी में बताया जा रहा था, लंदन में जितने भी बाहर बाहर के विदेश कंट्री थे उनको बताया जा रहा था कि किस प्रकार अंग्रेज भारत पे शासन कर रहे थे, वहाँ के लोगों को अवेयर नहीं कर रहा था कि भारत को आज़ादी मिलनी चाहिए, किस तरह से अंग्रेज भारत पे अपना रूल कर रहे हैं, भारत के लोगों के साथ गलत व्यवहार कर रहे, तो इस तरह से इंडियन होम रूल सोसाइटी। तो ये देखिए किस तरह से भारत के स्वतंत्रता में इनका बहुत बड़ा हाथ है। तो यही इंडियन होम रूल सोसाइटी फिर भारत में एनी बेसेंट ने चलाया था अद्यार तमिलनाडु में 1916 में, और 1900 में बाल गंगाधर तिलक ने पूना में चलाया था। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, पत्रिका केसरी और गीता रहस्य किनके द्वारा लिखा गया, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके, क्या गदर पार्टी।
गदर पार्टी से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फाउंडर ऑफ कौन है गदर पार्टी के, लाला हरदयाल है। 1913 में कहाँ पे किया गया था ये पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट, तो सैन फ्रांसिस्को यूएसए में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मैडम भिकाजी कामा से बनता है कि यह पहले क्रांतिकारी थे जिसने विदेश में भारतीय तिरंगा लहराया, तो पूछेगा कौन ऐसे हैं जिसने विदेश में भारतीय को तिरंगा लहराया, तो मैडम भिकाजी कामा ने। और ये कहाँ पे लहराया गया था, तो जर्मनी के स्टुटगार्ड में लहराया गया था। और फ्लैग बनाने वाले कौन है भारत के, तो मैडम भिकाजी कामा ही मेड द फ्लैग ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चलिए प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट, मतलब कि जो भी चीज़ें हैं यार आप लोग के लिए ये है, तो आप हैं तो हम हैं, आपका सपोर्ट है तो हमारा सपोर्ट है आपके साथ, बस यही चीज़ें हैं। तो पूरा चीज़ मैंने कवर कर दिया, ये तीनों चीज़ें जो पूरी ऑनेस्टी के साथ मैंने सारी चीज़ें कम्प्लीट प्रोवाइड किया हूँ। तो हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों तक, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत आपको दिखी हो, या फिर आपके लिए इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें हो तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और हर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो आपसे मिलते हैं उनको भी शेयर कीजिए और जो आपसे नहीं मिलते उन तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि ये मोहब्बत फिर से ये जिंदाबाद रहे। और भारत के इतिहास के बारे जो हमने चीज़ें पढ़ी है, जितनी चीज़ें पढ़ी है, क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे ही आएंगे, और जितने भी हताश लोग बैठे हुए हैं अभी, अब तैयारी में लग जाइए। ठीक है, तो एक दो मिनट बस ऐसे ही हम लोग बातें करते हैं, पढ़ाई तो कर लिया मैंने बहुत कुछ, हमने इतनी सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो अब PDF का टेंशन मत लीजिएगा, वो सारे बंदे जिन्होंने पेड खरीद रखे हैं आपको सारे लोगों को मेल कर दिया जाएगा पेड। अब मुझे पता नहीं कौन इतने देर तक वीडियो देख रहा है, मुझे ये भी नहीं पता, तो कमेंट करके बताइएगा जो भी इतने लंबे वीडियो को देखे हैं और इतनी चीज़ों को मैंने बताया, क्योंकि वीडियो तो लंबा एक घंटा देखना क्योंकि चल रहा है यूट्यूब पे, लेकिन इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को दे रहा हूँ इसलिए शायद आप लोग को भी माथा में टेंशन हो रहा होगा। तो फिर आपका सपोर्ट चाहिए, इसी तरह से बना रहे आपका सपोर्ट। ठीक है, तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।